सो यार मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सिलहा बाबा। जी हाँ सिलहा बाबा जा रहा हूँ, और वहाँ पर बहुत ही मशहूर दरगाह शरीफ है जहाँ पर शेर सलामी देने के लिए आता है। तरह से ब्लॉग में रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा, वो दरगाह शरीफ दिखाऊंगा। और माला जंगल से रास्ता गुजर के जाती है, आखिर शेर वहाँ से सलामी देने आता है, वहाँ के जो लोग बताते हैं उनके बारे में। तो इसी तरह से ब्लॉग में रहिए, तो चलते हैं सिलहा बाबा। सिलहा बाबा के रास्ते में इस वक्त पुल पर हैं और पहुंचने वाले हैं। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर डेला फेंका था, ये नदी पड़ गई थी, तो इस नदी के डेला हमसे पार नहीं होता, बीच ही रास्ते पे जाकर वो गिर जाता था वो। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर डेले ट्राई किए हैं, आम है तो आप भी ट्राई कभी करना, कभी पार नहीं कर सकता ऐसे कोई भी डेला इस नदी के। सिलहा बाबा हम आ चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क की है, और पार्क करने के इन लोगों ने मतलब 40 रुपए लिए हैं। दोस्त हैं जो, ये पर्ची इन्होंने ली है, 40 रुपए पार्किंग का दिया है। गाड़ी हमने वहाँ पर खड़ी की है, तो बने रही कंटिन्यू इसी ब्लॉग में। सिलहा बाबा की मार्केट में चल रहे हैं, तो अपने दोस्त की इस वक्त दुकान पर हम जाएंगे, और वहाँ पर ये जो हेलमेट हमारे हाथ में है इसको हम रखेंगे, उसके बाद हम घूमेंगे। हमने इस वक्त अपने हेलमेट को दुकान पर रख दिया है, तो अब हम दरगाह शरीफ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके इंशाल्लाह दरगाह शरीफ दिखाएंगे। और जिस तरह से लोग यहाँ पर बताते हैं कि मतलब यहाँ पर शेर आता है सलामी देने के लिए, उनका मुझे नाम तो नहीं पता है, मशहूर हैं हजरत सिलहा बाबा के नाम से। तो चलो दरगाह शरीफ पर चलते हैं। तो फाइनली हम दरगाह के पास में आ गए। तो इस वक्त हम दरगाह शरीफ के अंदर हैं, यानी बाहर हैं। जिस तरह से दरगाह शरीफ आपने ये देखिए पीछे, ये सैयद सिलहा बाबा यानी कि बहुत ही मशहूर दरगाह शरीफ है, और ये वन में आना पड़ता है। यहाँ से मान के चलो नवाबगंज से समथिंग 80 के किलोमीटर के आसपास में दरगाह शरीफ पड़ती है, और यहाँ पर हर साल उर्स मनाया जाता है सैयद सिलहा बाबा का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सबसे अहम बात तो ये है कि यहाँ पर मुर्गा भी ज़बह कर कर लोग खाते हैं, तो बिरयानी और बेसिक लंगर यहाँ चलते रहते हैं। तो मैं आपको दरगाह शरीफ मेरे पीछे ही देख रहे हैं बड़ी, और धूप काफ़ी तेज़ी के साथ, शदीद गर्मी पड़ रही है। तो अभी आपने दरगाह शरीफ देख लिए है, और इस वक्त हम दरगाह की मार्केट में ही आ गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मेले ठेले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कोतवाली के पास में लंगर हो रहा है, लंगर खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बिरयानी का लंगर है, और यहाँ पर ये हमारे आगे बिरयानी आ चुकी है। दोस्तों इस वक्त हमने बिरयानी खा ली। दोस्तों इस तरह से बनते हैं आटे के बताशे, जो गोलगप्पे हम जिसको कहते हैं, इस तरह से बनते हैं ये गोलगप्पे, आप देख सकते हैं वीडियो में। सिलहा बाबा के अंदर 3500 रुपये का ये आप देख सकते हैं गड़सा, और एक और चीज़ है मेरे हाथ में, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है, तो ये 3500 या 3000 के आसपास में मिलते हैं। काफ़ी वज़न होता है इनके हाथ मतलब इन औज़ारों में, और डर लगता है पकड़ते हुए भी। ये हमारे इरफान भाई और हमारे जान भाई की दुकान है, ये रिछोला की दुकान है, और इस वक्त सिलहा बाबा के अंदर ही लगी हुई है। हम आए हैं घूमने के लिए, तो सोचा यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है, और ये हमारे जान भाई सो रहे हैं, और ये हमारे इरफान भाई मछली वाले, मछली भी बेचते हैं ये। दोस्तों उम्मीद होगी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी सिलहा बाबा की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इसी तरह से अब चलते हैं, अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, इसलिए बाय बाय।